तो दोस्तों ये हमारे पास iPhone 16 और ये है हमारे पास Samsung Galaxy M35। तो गाइस आज हम करने वाले इसी दोनों फोन का कैमरा टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन, इंडोर आउटडोर बहुत सारे फोटोज और वीडियोस मैंने क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखे रहे और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किशोर, आप देख रहे हो राधे वेट्स। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास Samsung Galaxy M35 और iPhone 16। तो गाइस बात करते हैं Samsung Galaxy M35 की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं iPhone 16 की, तो यहाँ पे आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 48 मेगापिक्सल का प्लस 12 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं दोनों ही फोन के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको Samsung Galaxy M35 के अंदर एक 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस बात करते हुए iPhone 16 की, तो यहाँ पे आपको एक 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइस जैसे इस दोनों फोन का आप कैमरा ऐप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस फीचर्स को यूज़ करते हुए इसे मैंने ढेर सारे फोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। वैसे वीडियो के लास्ट में मैं मेरा ओपिनियन भी देने वाला हूँ कि मुझे पर्सनली इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ फोटोज एंड वीडियो सैंपल। तो दोस्तों ये जो वीडियो देखे मैंने इसी iPhone 16 और इसी Samsung Galaxy M35 के फ्रंट कैमरा को यूज करते हुए क्लिक की है, यानी कि इन दोनों में से किसी एक स्मार्टफोन से आप जो व्लॉगिंग वगैरह करते हो तो इसका ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स आपको इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और गाइस फिलहाल ये जो वीडियो देख रहे हो मैंने इसी दोनों फोन के अंदर जो 1080p 30fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यहाँ पे आप वीडियो स्टेबिलाइजेशन भी देख सकते हो। और फ्रेंड्स आईफोन के अंदर आपको सिनेमेटिक का ऑप्शंस मिल जाते हैं यानी कि पोर्ट्रेट वीडियो, जबकि सैमसंग के अंदर ये फीचर्स अवेलेबल नहीं है। तो आप कमेंट्स में बताओ कि कौन सा कैमरा क्वालिटी बेटर परफॉर्म कर रहा है।
दोस्तों अभी जो आपने फोटोज इन वीडियो सैंपल देखो, मैंने इसी iPhone 16 और इसी Samsung Galaxy M35 5G के फ्रंट और रियर कैमरे को यूज करते हुए क्लिक किए थे। तो गाइस आपको इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मुझे पर्सनली प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो Samsung Galaxy M35 का कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी। iPhone 16 का कैमरा क्वालिटी अच्छी ही है, लेकिन प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो Samsung का कैमरा क्वालिटी यहाँ पर बेटर परफॉर्म करती है, बिकॉज iPhone 16 की प्राइस को आपको पता ही है। बट किसी को जो स्पेशली वीडियोग्राफी के लिए ही कोई भी एक स्मार्टफोन जो बाय करना है तो उस केसेस में आप जो iPhone 16 भी बाय कर सकते हो। और जो कैमरे के ऊपर हमने लेंस लगाए वो मैंने रिमूव कर लिए थे जब कैमरा टेस्ट में मैंने फोटोज़ क्लिक किए, तो आपको ऐसा ना लगे कि उसकी वजह से कैमरा डाउनग्रेड वगैरह हो गया, ऐसा अर्गिज नहीं है। ये भी जो भी आपने फोटोज़ देखे वो ओरिजिनल थे, यानी कि दोनों ही फ़ोन के जो भी हमने सैंपल्स दिए थे वहीं पे एडिटिंग में मैंने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है, ओरिजिनल फ़ोटो ही थे। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है जहाँ पे सैमसंग की तारीफ़ करनी पड़ी, ये जो मेरे हॉनेस्ट ओपिनियन था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बिकॉज ये फ़ोन जो मैंने 15,000 में बाय किया था, जैसे कि बेस्ट वेरियंट सैमसंग का 6GB रैम प्लस 128GB वो आपको 15,000 के अराउंड मिल जाता है, तो उस प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो कैमरा क्वालिटी अच्छी है सैमसंग की। और आईफोन का कैमरा क्वालिटी आप सब लोगों को पता ही है, मतलब चॉइस इज योर्स, आपकी क्या नीड है क्या रिक्वायरमेंट उस हिसाब से कोई भी एक स्मार्टफोन जो बाय कर सकते हो। अदरवाइज जो मेरा हॉनेस्ट ओपिनियन था वो मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है। तो अभी कैसे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।